नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। दुर्गा पूजा के दौरान बवाल से अलर्ट। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान बवाल से अलर्ट हैं सीएम योगी। तो कई तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। पहली बार भी बहराइच हिंसा को लेकर भी समीक्षा की गई थी। अब समीक्षा के दौरान योगी ने फरमान जारी किया है। तो कानून व्यवस्था से खिलवाड़, उनकी भाषा में जवाब दें। यहाँ पर समीक्षा बैठक कर सीएम योगी ने कहा है। और वहीं फेक अकाउंट बनाकर कड़ी कार्रवाई करने के भी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं फेक अकाउंट बनाकर कड़ी कार्रवाई। 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। और समीक्षा बैठक के दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे। और इस बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ को लेकर सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दें। तो वहीं फेक अकाउंट बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा के दौरान बवाल से अलर्ट होकर समीक्षा बैठक की है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आई थी, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। बहराइच हिंसा मामले को लेकर भी अब कई तरह की कार्रवाई की गई थी। तो अब उसको लेकर सभी बातों को देखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कई जिलों में तनाव का माहौल बना हुआ था, दुर्गा पूजन के दौरान भी हिंसा देखने को मिली थी, अब उन्हीं को लेकर दीपावली का त्यौहार नज़दीक आने वाला है। तो सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है और दीपावली को लेकर कई तरह के निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक में किन बातों को लेकर चर्चाएं की हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में मौजूद हैं। और 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी। तो डीएम एसपी खुद संवेदनशील बने हुए हैं। वहीं 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक किया। दुर्गा पूजा के दौरान बवाल से अलर्ट सीएम योगी। समीक्षा के दौरान योगी ने जारी किया है फरमान। तो कई तरह के निर्देश यहां पर योगी आदित्यनाथ के देखने को मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और इस बैठक के अंदर किन बातों को लेकर चर्चा की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और खास निर्देश दिए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं, बहराइच में हिंसा हुई है, उससे सबक लेते हुए अधिकारियों को हिदायत दी है कि किसी भी स्तर पर कोई किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। संवेदनशील जो स्थान है वहां पर स्वयं डीएमएसपी जाकर के दौरा करें, जनता का विश्वास जीते और सोशल मीडिया पर जो खुरापाती तत्व है फेक आईडी बना करके माहौल को खराब करने के लिए वीडियोज और फोटो डालते हैं उनको चिन्हित करें। और जिस भाषा में खुरापाती तत्व काम कर रहे हैं उस भाषा में उनको जवाब दें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे तक बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। जी बिल्कुल पाठक जी, फिलहाल समीक्षा बैठक में यही कार्रवाई हुई है कि जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक नजर बनी हुई है और अगर किसी तरह की हिंसा देखने को मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें, इस बैठक में कई बड़े नेता भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, बहराइच हिंसा को लेकर के जो योगी सरकार है उसमें चाहे नेता हो या फिर अधिकारी हो, सबको हिला के रख दिया है। एक मामूली सी चूक जो है कितनी बड़ी मतलब हादसे का सबब बन गया। इसको लेकर के सरकार जो है वो काफी संवेदनशील है। जो डीजीपी है उनको खास तौर पर जिम्मेदारी दी गई है,
एडीजी कानून व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी योगी सरकार ने रखी है, खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस वाली है कि छोटी सी छोटी चूक ना होने पाए। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। बिल्कुल पाठक जी, क्योंकि अगर हम बहराइच हिंसा की बात करें तो उसमें कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसे लोग थे जिन्होंने सही से कार्रवाई नहीं की। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी चीज़ों को लेकर अच्छे से कार्रवाई के निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। तो फिलहाल बहराइच हिंसा की अगर बात करें तो वहां पर कैसा तनाव का माहौल पहले तो बना हुआ था, लेकिन फिलहाल का माहौल कैसा है और अब सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद किस तरह के निर्णय और ऐसे जिलों को लेकर दिए जा रहे हैं? देखिए पुष्पेंद्र, बहराइच जनपद में महाराजगंज बाजार में बवाल हुआ था, जहां पर गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद आप जनों की वारदातें हुई थी, लोगों की दुकानें जला दी गई थी, लेकिन अब महाराजगंज में भी जो आम जनजीवन है पट्टी पे आ चुका है, लोग दुकानें खोल रहे हैं, महाराजगंज में चहल पहल शुरू हो गई है। कहने का मतलब यह है कि बहराइच में जो हिंसा हुई थी वो एकदम पट्टी पे आती हुई नजर आ रही है। जिनकी वजह से ये हिंसा बढ़ती थी उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, वो चाहे बहुसंख्यक समाज के लोग हों या फिर अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सब कानून के नजरिए से बिना भेदभाव के सब पर कार्रवाई प्रदेश सरकार के स्तर पर चल रही है। चलिए पाठक जी, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक में साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक अगर कोई हिंसा की बात करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहराइच हिंसा को देखते हुए अब सीएम योगी कठोर हो चुके हैं। तो वहीं पूर्व आईएएस राकेश बहादुर रहे ठिकानों पर भी आईटी की रेड देखने को मिली। आइए, पूर्व आईएएस राकेश बहादुर के ठिकानों पर आईटी की रेड देखने को मिली है। एमआई बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, बिल्डर के ऑफिस सहित 16 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं 100 करोड़ के लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। पूर्व आईएएस से आईटी टीम ने जांच पड़ताल भी की है, पूछताछ की जा रही है। 100 करोड़ से अधिक के लेन देन का सबूत मिला है, तो इनकम टैक्स की छापेमारी यहां पर चल रही है। 100 करोड़ के लेन देन को लेकर पुख्ता सबूत मिले हैं इनकम टैक्स विभाग को। तो पूर्व आईएएस से आईटी की टीम गहनता से पूछताछ करने से लगी हुई है। पूर्व आईएएस राकेश बहादुर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। तो एमआई बिल्डर के ठिकानों पर आईटी की ये छापेमारी देखने को मिली है, जहां पर 100 करोड़ के लेन देन को लेकर इनकम टैक्स विभाग को सबूत मिले थे और उन्हीं सबूतों के आधार पर बिल्डर के खिलाफ यहां पर छापेमारी की जा रही है और बिल्डर से 100 करोड़ के लेन देन को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो आईटी की छापेमारी देखने को मिली है, तो पूर्व आईएएस से आईटी की टीम गहनता से पूछताछ करने से लगी हुई है। पूर्व आईएएस है राकेश बहादुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, राकेश बहादुर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है, क्या कुछ पूरा मामला? लखनऊ राजधानी का एमआई बिल्डर्स एक ग्रुप है जो अब आईटी के छापेमारी के बाद ये लगभग ये माना जा रहा है कि ये काली कमाई खपाने का ग्रुप है। एमआई बिल्डर्स के जो अभिलेख से जो अभी तक आईटी को फीडबैक मिला है उसमें सबसे चर्चित नाम है पूर्व नौकर शाह राकेश बहादुर का। ये बसपा सरकार में बड़ी ताकतवर थे और इस बात की पूरी आशंका है कि बसपा शासन काल में सैकड़ों करोड़ रुपया राकेश बहादुर सिंह का वो एमआई बिल्डर्स में लगाया गया है। अभी तक 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी एमआई बिल्डर्स के, लेकिन अब ये दायरा बढ़ के 26 तक पहुंच गया है। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक छापेमारी चल रही है और आईटी को इस बात का फीडबैक मिला है कि राकेश बहादुर से एमआई बिल्डर्स का 100 करोड़ से अधिक रुपए का लेन देन हुआ है।
काली कमाई का साम्राज्य जो है ईएमआई बिल्डर्स में चल रहा था, जिसको लेकर के अब आरटी का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। बिल्कुल पाठक जी, और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में राकेश बहादुर के अलावा क्या कोई और बड़ा नाम निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, लखनऊ में जो नौकरशाह हैं और जो मंत्री हैं, इनकी काली कमाई का पैसा जो है ये रियल एस्टेट में खपाया जाता है। ईएमआई बिल्डर्स में अब जो नाम आया है वो पूर्व नौकरशाह राकेश बहादुर का आया है। इसके पहले एक सफाया ग्रुप हुआ करता था, जिसमें एक आईएफएम सीनियर आईएफएम संजय कुमार, उनका रुपया लगा हुआ था और इस बात का पूरा उनको नोटिस भी हुआ था। आईटी ने आईएफ को नोटिस भी दे करके जवाब तलब किया था कि आखिर ये पैसा कैसे इस तरह का लेन देन हुआ। अब राकेश बहादुर के प्रकरण को लेकर के ईएमआई बिल्डर्स जो है वो आईटी के टारगेट पे है और लगातार आईटी की जो छापेमारी का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पाठक जी, क्योंकि 100 करोड़ का लेन देन कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और अभी 16 ठिकानों के अलावा आपने बताया कि 26 ठिकानों तक आईटी पहुंच चुकी है, तो ये जो 26 ठिकाने इन्होंने जो इतनी संपत्ति अर्जित की है, तो ये क्या अवैध तरीके से अर्जित की हुई है? देखिए, वैध अवैध के बीच मामला चल रहा है। आईटी इस बिंदु पर जांच कर रही है कि इसमें कितनी वैध है और कितनी अवैध है, कितना पैसा काला है और कितना सफेद है। जिस तरह से राकेश बहादुर का जो मामला सामने आया है, 100 करोड़ से अधिक का लेन देन है, उसको लेकर के ईएमआई बिल्डर्स का जो है संकट वो बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक छापेमारी चल रही है। ये भी उम्मीद है कि ये छापेमारी दिल्ली तक भी जा सकती है, क्योंकि काला पैसा लगाने वालों का गिरोह वो काफी लंबा है। ईएमआई बिल्डर्स जो है वो काला पैसा लगाने की एक एजेंसी बन चुकी है राजधानी लखनऊ में। बिल्कुल पाठक जी, और ईएमआई बिल्डर्स के जो भी ऑफिस वगैरह हैं, जो भी ठिकाने हैं, वो लखनऊ और नोएडा के अंदर हैं या पूरे देश के अंदर जगह जगह अवेलेबल है? देखिए, राजधानी लखनऊ में कई ठिकाने हैं, इनकी अपनी अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट, नामचीन अपार्टमेंट हैं, और इनकी गिनती जो है वो नामी बिल्डर्स में होती है। इनके जो लिंक हैं वो बड़े नौकरशाहों से हैं, बड़े नेताओं से हैं, लेकिन आईटी की चपेट में पहली बार जो है ईएमआई बिल्डर्स आया है, और जिस तरह का सबूत लगा है वो काफी जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें जो सबूत आया है वो पूर्व नौकरशाह राकेश बहादुर का आया है, जो बसपा शासनकाल में काफी पावरफुल थे और उन्होंने काफी धन इकट्ठा किया था, और उस धन को जो फीडबैक मिल रहा है वो ईएमआई बिल्डर्स में उन्होंने खपाया था। चलिए पाठक जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर का। तो दिल्ली में पॉल्यूशन का कहर देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं सुबह का एक्यूआई 389 दर्ज किया गया है। यमुना भी जहरीली हो गई है, यमुना में सफेद झाग देखने को मिल रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर देखने को मिला है, जहां पर अगर यमुना की बात करें तो यमुना में सफेद झाग उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और AQI 389 के पार पहुंच चुका है। तो दिल्ली की हवा भी जहरीली बनी हुई है और अब लोगों को एहतियातन बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको मास्क वगैरह लगाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से AQI 389 के पार पहुँचा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन का कहर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए पुष्पेंद्र, बिल्कुल बता देंगे, जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर को लेकर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, डॉक्टरों की तरफ से एहतियात बरतने का कार्य किया जा रहा है, एसओए लेवल की बात की जाए तो एसओए लेवल जो है 300 के पार पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है
तो इसी तरीके से लगातार लोगों को जो है सांस लेने का प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, डॉक्टरों की तरफ से साफ तरीके से जो है प्रोटेक्शन देने की बातें कही गई है। जो अस्थमा के लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले, घर से निकले तो अपने प्यारे जो मास्क वगैरह जो है निकले, इस तरीके से बुजुर्ग लोग लेकर भी जो है आकाश मरने का प्रयास डॉक्टरों की तरफ से जो है पॉल्यूशन को लेकर अभी काटे की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जो पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के लिए लगातार प्रशासन अपने नोएडा प्राधिकरण की लगातार जो है सबसे पर नजर बनाई हुई है। और साथ ये जो बिल्डिंग के जो जनरेटर वगैरह लगे हुए थे उस समय लगातार जनरेटर का जो धुआं उठता है आसमान में तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल नितिन, और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी और कई राज्य हैं जो जिनके बीच में ये दिल्ली एनसीआर है, लेकिन अगर पराली की बात करें हम तो हरियाणा और पंजाब सरकार दोनों अपने किसानों पर प्रतिबंध लगा रही हैं, वहाँ पर कई किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर पराली जैसी जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो फिर यहाँ पर एनसीआर के अंदर ये जो प्रदूषण का मामला बना हुआ है और AQI 389 के पार पहुँच गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और क्या कारण है? देखिए बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से हरियाणा दिल्ली में लगातार जो पराली यहाँ पर किसान जलाते हैं, किसानों को लेके भी जो है पहली तरह सरकार जो है एक्शन मोड में है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार में आपस में जो मतभेद रहता है, जो टकराव रहता है, उस टकराव को देखते हुए लगातार दोनों सरकारों में जो आपस में जो बातचीत करी जा रही है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी एक लेवल काफी बड़ा हुआ, पॉल्यूशन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो स्वास्थ्य मंत्री है वो खुद इस बात को कह रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एहतियात बरतना है और लगातार इसको लेकर जो और इवन जो गाड़ियों का जो नंबर पहले चलता था उसे भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही जो पराली जो किसान यहाँ जलाते थे उन किसानों को भी पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार पराली जलाने को लेकर भी जो है सरकार नोटिस जारी कर रही है। जो भी किसान यदि जलाता वो मिलेगा तो उसे कहीं ना कहीं सजा भी काटनी होगी, हवालात के पीछे भी होना करना पड़ेगा और लगातार इस तरीके का जो पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए नितिन, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं अगली खबर का। गांव के ही रहने वाले एक दबंग परिवार से तंग आकर दंपति ने खौफनाक कदम उठाया है। दंपति ट्रेन के आगे कूदकर मौत को गले लगा लिया और आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने गांव के ही रहने वाले एक परिवार के 11 सदस्यों पर बर्बरता और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक दंपति ने वीडियो में बताया कि दबंग आए दिन उन्हें रास्ते पर घेर कर प्रताड़ित करते रहते थे और कई बार मारपीट भी कर चुके हैं। दबंग सक्षम और सबल हैं, जिसके चलते अब वह आत्महत्या करने जा रहे हैं। वायरल वीडियो देख परिजन सन रह गए और बेटे बहू की मौत की खबर आ गई। अब पुलिस इस मामले पर पूरी जांच कर रही है। पत्नी थाना सिकंदरा के ग्राम पिंडार्थू के सोम शुक्ला व उनकी पत्नी श्वेता शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उक्त दंपति द्वारा पड़ोस के ही रह रहे दुवे परिवार पर उनको पीड़ित करने व जिस कारण आत्महत्या कारित करने की बात कही गई। इसी क्रम में कल 8:30 के आसपास पुखराया जीआरपी थाना भोगनीपुर द्वारा सूचना दी गई कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती का शव पड़ा है, जिसको पहचान जब की गई तो सोम शुक्ला व श्वेता शुक्ला का शव वह था, जिसको पंचायतनामा भर करके पीएम हेतु भेजा गया। बाद पीएम दोनों लोगों का शव परिवारिक जनों द्वारा दाह संस्कार कर दिया गया है। इस वीडियो में जिस दुबे परिवार पर आरोप लगाया गया है उस दुबे परिवार द्वारा मृतक सोम शुक्ला के विरुद्ध थाना सिकंदरा में एक अभियोग पूर्व में पंजीकृत कराया गया था। परिवारिक जनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तथा उक्त समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के क्रम में आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। खबर सीतापुर से है, जहां एक रिक्शा चालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं हनुमानगढ़ी के पीछे रिक्शा चालक का खून से लथपथ शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का फोरेंसिक टीम के साथ मुआयना किया। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है।
खबर हमीरपुर से है, जहां महिला ने अपने बेटे के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल में रात के करीब 2:30 बजे आग लगा ली, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्कूल में रखे बच्चों के ड्रेस, किताबें और बच्चों के मार्कशीट जलकर राख हो गए। स्कूल में आग लगने से करीब 7 लाख का सामान जलकर राख हो गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बांकी रोड का पूरा मामला। मेरठ में आज सुबह मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। सिटी स्टेशन से मेरठ कैंट स्टेशन के बीच हुई घटना से रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ये रेलवे विभाग की चूक है या फिर किसी की साजिश, इसको लेकर जांच की जा रही है। रेलवे मुख्यालय से टीम मेरठ के लिए रवाना हो गई। खबर लखनऊ से है, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में रहकर भारतीय नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वाले गैंग के 2 अभियुक्त, जो नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अभियुक्त सरोज खनाल और शिवराम रिमाल के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। एसडीएफ द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर नोएडा से है, जहां डॉग को लेकर बड़ा विवाद हो गया। बता दें कि डॉग को लेकर 2 लड़कियों में बुजुर्ग और थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं बुजुर्ग जोड़े को थप्पड़ मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से भी वायरल हो रहा है। ये देखो ये देखो, ओ माय गॉड, हाउ डू यू हिट हिम, हाउ डू यू हिट हिम, हाउ तो पूरी घटना नोएडा की है, जहां बुजुर्ग दंपति को लड़कियों ने थप्पड़ जड़ दिया और पूरा मामला एक डॉग को लेकर बताया जा रहा है। तो आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया लड़कियों ने, और डॉग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। नोएडा की घटना है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह दोनों के बीच ये फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।